जय हिंद मित्रों, वेलकम बैक टू फ्यूचर वेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू ब्लॉग। बट गाइज, ये ब्लॉग कार के रिव्यू का नहीं है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको दूंगा, वो है ड्यूरिंग लॉकडाउन आप आपकी कार मेंटेन कैसे कर सकते हो। इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइज, वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट स्टेप है, आपको इग्निशन ऑन करना है कार का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको सब लुब्रिकेशन के लाइट दिखते हैं, वो आराम आराम से बंद होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इंजन के अंदर उसका लुब्रिकेशन प्रोसेस शुरू है। सो आपको फर्स्ट इग्निशन ऑन करने के बाद ही आपको गाड़ी शुरू करनी नहीं है। फिर से एक बार इग्निशन बंद करिएगा और फिर से एक बार शुरू करें। सो उससे क्या होगा, आपके जो इंजन के जो पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर ऑयल लुब्रिकेशन होगा और उससे गाड़ी आपकी हेल्दी रहेगी। हालांकि अभी इशू ऐसा कुछ नहीं आएगा सीधा आप स्टार्ट करोगे तो, बट आपकी गाड़ी फ्यूचर में हेल्दी रह सकती है इससे। एक कुछ टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा, वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी कार बहुत हेल्दी रहेगी। सो अभी आपको इंजन स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीटर कॉइल फिर से ऑन हो चुकी है। 6 दिन से कार मैंने शुरू नहीं की है। सो यहाँ पे मैंने गाड़ी आइडल पे रखी है, आपको 3 से 4 मिनट कार आइडल पे रखनी है। और जिसके भी डीजल की कार है उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि डीजल के इंजन्स हैवी होते हैं और उनको स्टार्ट करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और गाइस, आपको बैटरी की साइकिल मेंटेन करनी है। 3-4 दिन बाद आपको कार एक बार शुरू करिएगा और आफ्टर लॉकडाउन आपको कोई इशू नहीं आएगा बैटरी का। 3-4 दिन बाद आप यह प्रोसेस शुरू करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा 3-4 दिन बाद। अभी 3 से 4 मिनट के लिए मैं गाड़ी आइडल पे रखूंगा, उससे इंजन वार्म अप होगा और थोड़ा हीट होने के बाद प्रॉपर फंक्शन करेगा। हालांकि अभी ऐसा इशू नहीं आएगा, मैं सीधा बाहर निकालूंगा तो गाड़ी प्रॉपर चलेगी, बट फ्यूचर में मुझे इश्यूज आ सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आप ये स्टेप फॉलो करो, आपकी कार हेल्दी रहेगी। टिप ये है, आपको क्लच को प्रेस करके फिर से छोड़ना है, ऐसे 2-3 बार करें, उससे लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होगा। जैसे मैंने आपको इग्निशन का बताया वैसे ही ये क्लच का भी हो जाएगा। ये 2-4 बार आप करोगे तो प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा। उसके बाद आपको ब्रेक दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, 2-4 बार इसको भी करिए। और एक्सीलेटर के लिए भी आपको करना है थोड़ा सा। अभी 3-4 मिनट हो चुके हैं मैंने कार को शुरू करके आइडल पे रख के, अभी मैं थोड़ी कार को रेस दूंगा, उससे थोड़ा इंजन वार्म होगा। चार बार मैंने करी है। सो नेक्स्ट स्टेप ये, सो गाइस अभी थर्ड स्टेप ये है, आपको क्लच दबा के कार के सब गियर्स जगह पे एक बार रन करने हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट गियर डालो, सेकंड गियर जगह पे ही क्लच दबा के आपको करने हैं। इससे भी लुब्रिकेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि गियर बॉक्स तो यूज में नहीं था 5-6 दिन से। सो अभी इसको मैं प्रॉपर सा फंक्शन करूंगा। रिवर्स में भी डालें, इससे आपके इंजन की और गियर की प्रॉपर लुब्रिकेशन होगी। सो गाइस, फोर्थ स्टेप ये है कि आपको आपके कार का एसी एक बार शुरू कर देना है, और वो शुरू करने के बाद आपको आपके विंडोज नीचे लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एसी है 2 से 3 दिन के लिए शुरू नहीं हुआ है, तो उससे कुछ गैस के फ्यूम्स आएंगे तो आपको इशू नहीं होगा हेल्थ का, तो वो बाहर चले जाएंगे और आपका एसी प्रॉपर वर्किंग करेगा और आपको भी कोई इशू नहीं आएगा गैस का। सो 2 से 3 मिनट के लिए आप ये शुरू रखोगे और उसके बाद बंद करोगे, सो इसकी एक साइकिल पूरी हो जाएगी। अभी फोर्थ स्टेप हो चुकी है। सो गाइस, अभी फिफ्थ स्टेप ये है कि आपको आपके इंटीरियर्स क्लीन रखने हैं। सो क्लीन रखने हैं मतलब क्या, तो आपके कार में आप सेंट रखते हो, एक प्रॉपर फ्रेगरेंस है उसके लिए, बट आप ये घर पे लेके जाइए, क्योंकि आप अभी कार तो बाहर नहीं निकाल सकते हो लॉकडाउन के कारण, तो इससे कार में कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं वो सेंट के कारण, और वो आपके फैब्रिक और प्लास्टिक पार्ट्स पे इफेक्ट करेगा। सो उससे बाद में आपको इश्यूज आ सकते हैं, उस पर कुछ स्पॉट्स आएंगे, ऐसे बोल नहीं सकते क्या क्या हो सकता है, बट आपको प्रिकॉशन लेना है उससे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके धूल मिट्टी आ चुकी है, तो आपके पास वैक्यूम क्लीनर होगा तो आप उससे क्लीन कर सकते हो। अगर नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं आएगा। और आपको मैंने जैसे स्टेप बोले, फर्स्ट 4 स्टेप वो आप करिए, उससे आपके कार का एक साइकिल शुरू रहेगा प्रॉपर।
और उससे आपको लॉकडाउन के बाद कोई इशू नहीं आएगा कार स्टार्ट करने में और बाकी के फंक्शंस रन करने में। सो और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि आप आपकी कार थोड़ी सी आगे पीछे कर सकते हो। आगे पीछे मतलब आपके पार्किंग में थोड़ी जगह हो तो थोड़ी सी आगे लो या थोड़ी सी पीछे लो, या आपकी सोसाइटी हो तो आप एक वहाँ पर राउंड मारें, तो उससे क्या होगा आपके ब्रेक पैड जो होंगे वो भी यूज़ होते जाएंगे, और पीछे किसके कार को ड्रम ब्रेक रहेगा तो उनका भी यूज़ हो सकता है। हैंड ब्रेक आपको छोड़ के फिर से एक बार अप्लाई करना है, बिकॉज ड्रम ब्रेक में जो बुशिंग्स होते हैं रबर के बुशिंग्स वो स्टिक हो जाते हैं और उसके कारण वो बाद में इशू आ सकता है, टायर जाम हो सकता है थोड़ा, बट इतना भी मेजर इशू नहीं आएगा उससे। सो गाइस आप देख सकते हो 5-6 दिन में बहुत सारी मिट्टी जम जाती है कार के ऊपर, सो आप इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोथ घुमाएंगे तो ये थोड़ी साफ़ हो जाएगी, धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस आपको एक बताना चाहता हूँ मैं, समर सीज़न शुरू है तो आपको आपकी कार जितनी हो सके उतनी छाँव में रखनी है, बिकॉज सन रेज के कारण इसका पेंट थोड़ा डल हो सकता है और इसकी थोड़ी शाइन कम हो सकती है। सो गाइस जितना हो सके आप उतना छाँव में लगाए कार, उससे आपका पेंट भी मेंटेन रहेगा और आपकी कार की शाइन भी प्रॉपर रहेगी। सो गाइस मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ और एक जो उससे आपकी कार लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहेगी। जब भी आप कार शुरू करोगे आफ्टर लॉकडाउन कौन से भी सीजन में, समर विंटर मानसून में, सो वो टाइम पे आपको 2 बार इग्निशन ऑन करना है, 2 से 3 बार, उससे प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा इंजन में और आपकी कार हेल्दी रहेगी। ये टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, इससे आपकी कार में फ्यूचर में कोई इशू नहीं आएंगे स्टार्टिंग के लिए। और जिसकी कार 40-50,000 किलोमीटर्स के ऊपर गई है उनको थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है, 2 दिन में या 3 दिन में एक बार उनको शुरू करनी है कार, बिकॉज तभी बैटरी थोड़ी सी वीक हो जाती है, और जिनकी भी डीजल कार है उनके लिए ये प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मुझे यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने थे। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके फॉलो करके मुझे कुछ क्वेरीज पूछ सकते हो। सो यही कुछ जानकारी थी गाइज, ड्यूरिंग लॉकडाउन आप आपकी कार कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।